दोस्तों, दुर्गा पूजा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज नवरात्रि की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम मशरूम बना रहे हैं जो कि नवरात्रि स्पेशल होगा। न लहसुन न प्याज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है ये, जो कि घी से बनेगा, तेल से नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग व्रत में ज़्यादातर जो है घी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग रिफाइंड का भी इस्तेमाल करते हैं, सादा तेल, सरसों तेल इसमें नहीं चलता है। तो मशरूम को अच्छे से छील लेंगे और इसको धो के फ्रेश कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको काट लेंगे। आप देखेंगे हेल्दी मशरूम बनके तैयार होगा, वो भी बिना मसाले का, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। और सेंधा नमक से आप बना सकते हैं इसको, या बहुत से लोग जो है कि ऐसे भी ये भी नमक खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होगा और हम नवरात्रि के लिए बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि दो मिनट में बन के रेडी होगी, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे काम होते हैं, लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए झटपट सी रेसिपी। तो यहाँ पे ले लिए एक चम्मच घी और घी को गर्म कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है पूजा त्योहार में, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। और यहाँ पे हम काट के मशरूम को देखिए इस तरह से डाल दिए। और ये रेसिपी मेरी बेटी मतलब जो है कि बताई थी कि मम्मी आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो यहाँ पे ले लिए हम सेंधा नमक और यहाँ पे जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर और थोड़ा सा हम यहाँ पे इलायची यानी गरम मसाला मिक्स है इसमें, इलायची पाउडर भी यहाँ पे ऐड किए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, आप देखेंगे थोड़ा सा अलग फ्लेवर में ये आपको खाने में लगेगा। बस दो से चार मिनट में ये जो है भुना गया, बस फ्राइड है ये, और धनिया पत्ता से गार्निश कीजिए। अगर दूसरे दिन अगर बनाते हैं जब आप नवरात्रि में नहीं हैं तो वहाँ पे आप लहसुन मिर्ची डालिए तो ये बहुत ही और भी स्वादिष्ट बनेगा। और देखिए बात करते करते रेसिपी तैयार है, बहुत ही चटपटा सा। और इसमें अगर आप नींबू निचोड़ के डालते हैं और थोड़ी सी हम काली मिर्च का भी इस्तेमाल किए हैं, आपको नहीं बताएं, काली मिर्च अगर डालते हैं तो स्वाद और भी अच्छा होगा। तो कैसी लगी रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।